आज सोच रहा हूँ क्या इस क्लास को जो है ना पूरा 1 बजे रात तक कर दूँ, 1-2 बजे तक कर दूँ कंटिन्यूस, कैसा रहेगा? क्योंकि कल तो क्लास केवल मिनिमम 30-35 मिनट का ही रहेगा, कम से कम 3 घंटे ले लें क्लास। नंबर सिस्टम इन लोगों का करवाने का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा ठेका ही है नंबर सिस्टम। अब शुरुआत किए हैं तो अब देखना अदर लोग भी डालेंगे क्लास, कुछ ऐसा ही होता ही हो ही जाता है इस तरीके से, क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट कर दिया, हो गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, इज एवरीथिंग फाइन? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल इज वेल। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज द लेक्चर 6। ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड हियर टोटल लेक्चर 5, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जो यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, शायद आपकी प्रिपरेशन एक उसी लेवल में जा रही है। यस या नो? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरी आवाज़ आ रही है, इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सेशंस को लाइक। सर सीसैट में मुझे मैथ नहीं आता है, क्या करूँ? सुबह उठो और शाम उठो, सुबह शाम पौंड तालाब में जाओ, 10 बार 10 टाइम्स डुबकी लगाओ, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। और जाओ भगवान के पास, मंगलवार का व्रत रखो, शुक्रवार का व्रत रखो, हो सके तो बृहस्पतिवार का भी, हो सके तो एक कोई और दिन का ही व्रत रखो, ठीक है। मैथमेटिक्स का नोट्स बनाओ, उस नोट्स को फाड़ो, पानी में डालो, चबा जाओ, तुम्हें मैथ्स आ जाएगी, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही है? सर दिस इज द 5th, सर यूट्यूब पर हुआ पूरा सिलेबस, क्रेम सागर, यस यस सर, इट्स अ 5th लेक्चर बिकॉज यू डिडंट टेक क्लास यस्टरडे, कल क्लास नहीं हुआ था, ये बात सही है, ये बात सही है, राइट, है ना? ओके ओके, क्या सॉल्यूशन दिए हो सर? सर पूरा सिलेबस होगा ना, व्हाई नॉट सर? टुमारो मॉर्निंग में रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे बच्चे। मैं आपको अभी भी कह दूँ, जिसने भी 10-12 साल 15 साल से अपना मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस छोड़ा हो, राइट, मेरे क्लास को 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए। जिस प्रकार कोई डॉक्टर किसी को प्रसेप्शन डायग्नोसिस करने के बाद जो उनको लिखते हैं, राइट, चाहे मेडिसिन हो, जो भी हो, गए तो कम से कम कहते क्या है भाई, 3 दिन तो खाना पड़ेगा। उसी प्रकार एक लेक्चर को मिनिमम 3 दिन देखना पड़ेगा, लिखो कमेंट सेक्शन में, यस सर एक लेक्चर को मिनिमम 3 दिनों तक देखना पड़ेगा। सेशंस की शुरुआत करने से पहले बता दूं, अन अकेडमी पे बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्टेड हुए, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं इन बच्चों के जैसे। अगर आप अन अकेडमी पे रेफरल कोड SKS10 कोड को यूज करोगे तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि SKS10 कोड की ऐसी है माया, जिन्होंने गाँव के बच्चों को भी है सिलेक्शन की सूट है पहनाया। तो आइए मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रगर के मेहनत करिए। ये एक न्यू बैचेज है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ओनली एंड ओनली 72,000 में, ये डिस्काउंट होकर के 56,000 हो गया है, राइट, ऑन क्रैकिंग 100% फी रिफंड है। एक दो बैचेज, एक और बैचेज है ऑप्शनल, क्या है आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये ऑप्शनल का न्यू बैचेज स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो अनअकैडमी पे कॉल करिए कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरल कोड, प्रोमो कोड, दिस इज योर रेफरल कोड या प्रोमो कोड है। इस कोड को यूज करने के बाद आपको रगर कर पढ़ना पड़ेगा, हम आपको रगर देंगे, क्या कर देंगे, रगर देंगे अपने आप को। अगर रगर के पढ़ाई करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड। सर यूट्यूब पर क्लास 4 ही हुआ है और सब क्लास कहाँ हुआ है? भाई साहब कल वाली क्लास नहीं हुई थी इसलिए ये लेक्चर 5 है, लेक्चर 5th है, राइट, कल जो क्लास होगी ये लेक्चर 6th होगी, ठीक है। आप सुनील सर की क्लास लेते हो? सर यूट्यूब पर क्लास, ओके ओके, एंथ्रोपोलॉजी, राजा इम्तियाज अहमद शाह, सर यू आर मोस्ट काइंडनेस, आप इतना एफर्ट्स क्या साथ पढ़ा है वो भी फ्री में। चलिए ठीक है, ओके, शुरुआत करता हूँ। सेशंस को सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग लाइक करिए, राइट,
इसलिए ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बहुत सारे एजुकेटर की क्लास मिलेगी, राइट, है ना। अगर आप नहीं एक साथ पे कर सकते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लोन। ये 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। जिस भी बच्चों को चाहिए वो बच्चा मुझसे डायरेक्टली कंसर्न कनेक्ट हो सकता है, राइट, है ना। और किसी का भी कोड यूज करने से पहले एक बार उस एजुकेटर से ज़रूर बात कर लें, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मुझे सही में गाइडलाइंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उन सर से बात होनी बात, अब टीचर से डायरेक्टली कनेक्टिविटी हुई, उसके बाद आप कोड यूज़ करिए, राइट, ताकि आपके लिए सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट, ओके। अपूर्वा श्रीवास्तव, शीतल राजपूत, शीतल चौरसिया, राइट, से रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ है, राइट। बाकी ये ऑफलाइन का न्यू बैचेज है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग, राइट, ये सब ऑप्शनल, ये सब बैचेज जो है आपका स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन में, राइट, है ना। अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपका परसों होना है, चलिए रेडी है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, नंबर सिस्टम की क्लास है, ओके। दिस इज द नंबर सिस्टम क्लासेस, राइट। कल मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था कि नंबर सिस्टम में हमारी क्या क्या क्लासेस होनी है, राइट। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी। देखो, शुरुआत में थोड़ा देर तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, राइट। बच्चे आते ही कह रहे हैं, मास्टर जी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, क्लास शुरू करो, क्लास शुरू करो, क्लास शुरू करो। मेरे भाई, अब जो इतना पैसा हमको पे कर रही है, राइट, जिसका हम नमक खाते हैं, उसका गुण तो गाना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, ओके, राइट। तो करना तो पड़ेगा, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ या ना, आप जानते हैं इतने जानते हैं, हैं। तो ये चीज़ बताने से होता है कि आपको बेनिफिशियल हो जाए, राइट, ओके। तो चलो शुरुआत करता हूँ, बहुत कम टाइम है, बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 700 प्लस सिलेक्शन है फ्रॉम माय गाइडेंस प्रोग्राम। यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी इन्हें रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, ओके, कल भी निकलेगा। ये नंबर सिस्टम से 2023 में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। चलिए शुरुआत करें, शुरुआत करें, आर यू रेडी? एक बात मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास? देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्लास डेली होती है, यहाँ पर क्लास आपको डेली मिलती है, डेली 10 PM आपकी क्लास होती है, एक्सेप्ट संडे, राइट, है ना। संडे को छोड़कर यहाँ की, यहाँ पे क्लास डेली होती है, ठीक है, यहाँ की, यहाँ पे क्लास आपकी डेली होती है, राइट, है ना। हो सकता है कभी इमरजेंसी के तौर पे चीज़ें आपसे ना हो पाए, बट आपको फरफराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बहुत सारे बच्चे लगे, अलीसा माहिल भी आ जाइए क्लास में, राइट। नमस्ते, रियल नंबर इमेजिन रखो ना, किसी को कोई डाउट, राइट, किसी को कोई डाउट? देखो मैंने क्या क्या चीज़ बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सब लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो लेक्चर 6 है, इसका मतलब ये मत समझना ये लेक्चर 5th ही है, ठीक है, लेक्चर 5th ही है। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक मैं करा चुका हूँ, ये लेक्चर 5 है, जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊँगा एग्जाम ओरिएंटेड, राइट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊँगा एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इमेजिनरी नंबर बताओ क्या होता है, राइट, इमेजिनरी नंबर बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया है, राइट, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ क्या होते हैं, एक एक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आप मुझे बताओ नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये मुझे बताओ, राइट, है ना। होल नंबर क्या होता है ये मुझे बताओ, राइट। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये मुझे बताओ, राइट। ट्वीन प्राइम नंबर क्या होते हैं ये मुझे बताओ, ओके। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, राइट। इवन नंबर क्या होते हैं ये हमें बताओ, ऑड नंबर क्या होते हैं ये हमें बताओ, फटाफट मुझे बताओ। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, राइट, है ना। सर हम न्यू स्टूडेंट से आपकी क्लास में पहली बार आए हैं, आदित्य भारतीय, टेंशन नहीं लो, राइट, है ना। बेटा अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, राइट, है ना, तो ये क्लास आपको समझ में आएगा। बस आपको हमेशा क्लास इसी चैनल पे
इसी पे मेरा एक वो होगा, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट होगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी तो मैं आपको अपना प्लेलिस्ट टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम है SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल, या नहीं इससे ना मिले तो CSAT बाय संजय कुमार सर, राइट है ना, उसको करके ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इमेजिनरी नंबर आर विच कैन नॉट बी शोन ऑन नंबर लाइन, बहुत अच्छा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, जो रियल नंबर हो प्लस इमेजिनरी नंबर हो, रियल प्लस इमेजिनरी, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या है, क्या है, यह आपका इरेशनल नंबर है, राइट है ना, यह आपका इरेशनल नंबर है, राइट। होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, जिसको आप जीरो से स्टार्ट करते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है, जिसको हम कपल कहते हैं, राइट। आप मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, देखो ऐसा रिक्वेस्ट कोई नहीं करता, टीचर होकर मैं रिक्वेस्ट करना पड़ता है मुझे, राइट है ना। चुपचाप इसी चैनल पे Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3, Lecture 4 देख लेना, तो ये आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा, राइट है ना। तो राइट है ना, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम ऐसा प्राइम होता है जिसका डिफरेंस दो हो, राइट, जिसका डिफरेंस क्या हो, दो, जिसका डिफरेंस दो हो, जैसे मान 3 और 5 हो, ये दो प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस 2 है। 11 और 13, ये दो प्राइम नंबर, इसका डिफरेंस 2 है। 17 और 19, ये प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। ऐसे ही अगला प्राइम नंबर आप बताओ, क्या कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर होगा जिसका डिफरेंस 2 होगा। केवल ऐसा 3 प्राइम नंबर और बताओ, इसके अलावा 3 प्राइम नंबर और बताओ। कंपोजिट नंबर पता है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होने कंपोजिट नंबर। इवन नंबर उसको होता है जो जिसके लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 हो, यानी कि n, राइट, ऑड नंबर को 2n + -1, ओके, इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखो, राइट। प्लीज़ सर क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। बेटा क्लास की टाइमिंग, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, गुलशन भाई जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो इन बच्चों को दे दो। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लोगे तो सब कुछ बेनिफिशियल होगा, नहीं ज्वाइन करोगे तो फड़फड़ाओगे, राइट, नहीं ज्वाइन करोगे तो फड़फड़ाओगे, इसलिए आप सभी लोगों को, चलो शुरुआत करता हूँ, राइट, ओके। बहुत कम टाइम है यार, बहुत कम टाइम, थोड़ा बस पेशेंस रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नहीं नोट डाउन किया है एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से रहना सब लोग, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी होंगे जो मुझे आपको देना होगा और जो मैं आपको समझाऊंगा और आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा, राइट। अच्छा मुझे एक बात, मुझे बताओ आप सभी लोग, इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक किसको कहते हैं, राइट। सर PDF नहीं मिल रहा है, किसको PDF नहीं मिल रहा है, राइट, PDF तो आपको मिल रहा होगा टेलीग्राम पे, PDF नहीं मिल रहा है क्या, चलो ठीक है, मैं आपको दूंगा PDF। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, सर आप सोते नहीं हो क्या, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच माय डियर। सर वीडियो को थंबनेल बदल दीजिएगा, Lecture 6 दिख रहा है, ठीक है, लेक्चर बोल दूंगा मैं, ठीक है। देखो बेटा, इन्फिनिटी उसको कहते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनंत तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस पर जो भी नंबर होते हैं ना, सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, एक एक करके सोचना, राइट है ना, जो जो चीज़ मैं जैसे जैसे आपको बताऊँगा वैसे वैसे आपको समझना है, ऐसे ऐसे आपको, देखो क्वेश्चंस मैं दूंगा, क्वेश्चंस को आपको समझना है, फरफराना नहीं है, आराम से देखना, फरफराना नहीं, कोई नहीं फरफराना, जिसको आता है उसको, जिसको भी नहीं आता है वो भी समझेगा। देखो क्या कह रहा है, देखो जो ध्यान से समझो, क्वेश्चंस के वर्ड को समझो। n जो है एक इंटीजर है, बिटवीन 20 और 80, यानी n एक ऐसा इंटीजर है जो 20 और 80 के बीच है, फिर से समझो, 20 और 80 के बीच है, देन एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी n+7 except. अब देखो भाई सुनो, इसको मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझो, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चंस को समझना आपकी जिम्मेवारी है, राइट है ना, आप नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, राइट है ना। देखो n की जो वैल्यू है ना,
एन की जो वैल्यू है 20 और 80 के बीच में है, एन की वैल्यू 20 और 80 के बीच में है, ठीक है। तो एन प्लस 7 क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें से अलावा, देखो 20 से बड़ी और 80 से कम, 20 से बड़ी 80 से कम, ध्यान से समझो, ध्यान से, राइट है ना। तो भाई अगर मान लो, अगर मान लो एक सेकंड रुकिए, 20 से बड़ी, 20 से बड़ी यानी अगर मान लो आप n इक्वल टू अगर 21 ले लो तो 21 प्लस 7 कितना आएगा, 28। अगर आप n की जगह 22 लोगे तो 22 प्लस 7 कितना आएगा, 29। अगर आप n की जगह 23 लोगे तो 23 प्लस 7 कितना आएगा, 30। ध्यान से समझो, n इक्वल टू अगर 24 लोगे तो 24 प्लस 7 कितना आएगा, 31। ऐसे ही अगर मान लो n की जगह मान लो अगर आप 30 लोगे तो 30 प्लस 7 लोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 37। इसी प्रकार भाई 80 से कम लेना है, 80 से कम, 20 से ज़्यादा 80 से कम, इसका मतलब n की जगह क्या लोगे आप, 79 लोगे। तो 79 प्लस का 7, 86। मैं आपसे अभी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, अभी आपको ये वाली चीज़ें समझ रही है, ये वाली चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है कि मैं अभी आपको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपके दिमाग को सेट करना चाह रहा हूँ। इफ़ यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस वर्ड्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन SKSTEL। मेरे प्यारे बच्चे, रिकॉर्डेड भी मिलती है लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो कब डिलीट हो जाएगा आपको नहीं पता है, राइट है ना। कल वाली क्लास जो मैं हमेशा कहता हूँ भाई लाइव क्लास देखो, राइट है ना। आप ऐसा सोचो कि मेरी क्लास आप सीधा मुखर्जी नगर करोल बाग दिल्ली से आप ऑफलाइन में आकर के बैठ के पढ़ रहे हो, राइट। अगर मैं आपको अपनी फ़ी बताता हूँ, देखो ऑफलाइन में यही सी सैट की फ़ी मैं 40,000 तक लेता हूँ, राइट। ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, 40,000 तक, ऑनलाइन का तो बात ही अलग है, ओके, यस या नो। तो अगर मैं ये क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ इतने सोच समझ के, तो आप प्लीज़ लाइव ही पढ़ें। जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो वो सी सैट में क्वालिफाई हो गया। आप क्लास को देखिए, उसके बाद आप इमेजिन करें कि मैं आपको किस लेवल का थॉट प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, ओके। भाई सुनो, फिर से समझो, एन इज एन इंटीजर बिटवीन 20 और 80। एन 20 और 80 के बीच एक पूर्णांक है, तो एन की जगह 20 और 80 के बीच, तो 21 प्लस 7 28, राइट। यानी मिनिमम 28 क्या होगा आपका, मिनिमम ये सभी इक्वल है, 28, 29, 30, 31, 32 और ये मैक्सिमम कितना आएगा, 86। तो 28 और 86 को लेके और इसके बीच में, इसके एक्सेप्ट, इसके अलावा देखो क्या 88 क्या इसके बीच में है, 28 और 86 के बीच में 88 होगा, नहीं होगा। लेकिन 54 है, 57 भी है, 84 भी, अगर 86 यहाँ है 84 भी होगा, इसका मतलब एक 88 ही नहीं होगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन फॉलोइंग कुड बी एन प्लस 7 एक्सेप्ट, वर्ड को समझो, तो 88 क्या आएगा आपका, 88, राइट। ये क्वेश्चंस मेरा बनाया हुआ क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, राइट। अब देखा यूपीएससी का लेवल से 86 तो ज़्यादा हो गया ना 80 से, यस यस, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये क्या कह रहा है, 80 से ज़्यादा नहीं लेना बेटा, ये n की वैल्यू, n इज एन इंटीजर 20 और 80 के बिटवीन यानी n की वैल्यू 21, 80 से कम यानी 20 और 80 के बीच यानी कि 79 लेना है। अगर आप n की जगह वैल्यू पुट करोगे तो 86 यानी कि 20, 29, 30, 86 तक है, राइट। लेकिन इसके अलावा एक्सेप्ट क्या पूछा है, कोई भी n प्लस 7 अपेक्षित हो सकता है सिवाय इसके, तो भाई इसके सिवाय 88 ही तो है, बाकी 54 भी इसके n प्लस 7 को सेटिस्फाइड कर रहा है, 47 भी आ रहा है इसमें, 84 भी आ रहा है, लेकिन 88 नहीं आएगा। अब आई बात समझ, देखो 54 कब आएगा, राइट, जब n की जगह 47 आएगा, तो 47 प्लस 7 54, 47 कैसे आएगा, जब n की जगह 40 होगा तो 40 प्लस 7, तो 84 कैसे आएगा, जब n की जगह 77 आएगा, तो 77 प्लस में 7, तो भाई 20 और 80 के बीच में आ रहे हैं ये, 20-80 के बीच। लेकिन 88 कैसे आएगा, 88 जब आएगा, जब यहाँ पे n की जगह 81 होगा, तो 81 तो इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए केवल आंसर ए होगा, राइट।
अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा राइट। अगर आप सब अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करना है मेरे बच्चे, जिसको भी अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करना है प्लीज़ आप इस कोड को यूज करें SKS10। बच्चे जिस एक बच्ची है इसको ज्वाइन करना है, किसी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर इनको मैसेज कर दो राइट। अगर आपको नहीं हो रहा है बेटा राइट है ना, तो यूट्यूब पर सर्च करिए संजय कुमार शाह राइट, वहाँ से आप निकाल लीजिए, या टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा राइट है ना, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। लास्ट में एक्सेप्ट लिखा, अब आई बात समझ में? यस, अब आई बात समझ में? ठीक है बेटा, इनको दे दो कॉन्टैक्ट नंबर जिसके पास हो। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब आप यहाँ पर देखो, देखो पहले क्वेश्चन को देख के मत फड़फड़ाओ, जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाया हूँ तो आराम से समझो, आराम से समझो क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चंस के वर्ड को समझिए राइट। देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है राइट, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ठीक है। ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, देखो क्या लिखा है, ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स वन इज इवन। अच्छा कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड को समझो। लो लो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा राइट। देखो कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, जो कॉन्जुगेटिव, देखो कॉन्जुगेटिव राइट, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे लगातार लगातार, जैसे तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इलेवन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद थर्टीन राइट। जैसे जैसे 99, 99 के बाद 100, 100 के बाद 100, 100 राइट। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रुको थोड़ा पानी पी ले दो, खगड़ा राइट राइट ओके, कंटिन्यूसली पानी दीजिए। देखो ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, दो लगातार इंटीजर लेना है लेकिन पहला इवन हो, पहला इवन हो, बताओ कमेंट सेक्शन में दो लगातार इंटीजर बताओ जिसमें कोई एक पहला इंटीजर हो, वन इज इंटीजर लिखा है, लिखा है क्या लिखा है, दो क्रमांगत पूर्णांकों में से एक सम होता है, बताओ 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 कमेंट सेक्शन में, बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आइसक्रीम पिघल तो नहीं गया? देखो ठंडा पानी देना, थोड़ी देर बाद और देना ठीक है। आज इनकी क्लास लंबी क्लास लेता हूँ, कोई भी दो, मान लो एक बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन कमेंट कर रहे हैं दो और तीन, ठीक है भाई ले लिया दो और तीन, ठीक है दो और तीन राइट, दो और तीन ले लिया ठीक है, ले लिया दो तीन, दो एक बच्चा कह रहा है 10 11 लो, लो 10 और 11 भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना है केवल ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, देखो ऑड इंटीजर, इसमें ऑड नंबर कौन सा है, इसमें ऑड नंबर कौन सा है, इसमें ऑड नंबर कौन सा है, तीन है, इसमें ऑड नंबर कौन सा है, तीन है, या इसका ले लो इसमें ऑड नंबर क्या है 11 है, तीन का स्क्वायर करोगे बताओ कमेंट सेक्शन में, तीन का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, तीन का स्क्वायर करोगे गुलशन बताओ, गुरु अंजलि वर्मा, अनिल सिंह, तीन का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तीन का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर किया भाई। ये क्वेश्चन बता दूँ किस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका CDS का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हें लाएगा कि मास्टर जी ना, ये CDS का क्वेश्चन है 2017। तुमको बस दिमाग का ढक्कन खोल रहा हूँ, रेगुलर लाइफ देखोगे तभी दिमाग का ढक्कन खुलेगा, वरना दिमाग जो है ना चेपू बन जाएगा, चेपू है ना, पुचकू हो जाएगा दिमाग, पुछ दिमाग करेगा। 121, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8n+1, यानी 8n+ का मतलब है कि ये n की जगह अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए। देखो 8n+1 लिख सकते हो आप, 9 में डिवाइड करो 8 से, 8 रिमाइंडर यानी 1, यानी 8 × 1 + 1। क्या आपने इसको लिखा? यस। फिर आप 8 से 121 में डिवाइड करिए, 8 से 121 में डिवाइड करिए, 15 × 8 = 120, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि 8 × 15 + 1, यानी कि ये अब की बार ये n इक्वल टू आपका 15 हो गया, अब की बार n इक्वल टू आपको, यानी कि कुछ भी हो आपका, आप जो इसको आपने लिखा है क्या आपका 8 × n + 1 आया, 8 × n + 1 आया, 8 × n + 1 आया, जहाँ पर एक क्या ऑड इंटीजर है भाई, ये 1 क्या है, n इक्वल टू 1 ऑड है,
ये 15 क्या एन इक्वल 15 ये भी आपका ऑड है, क्या आपका ये आंसर आया? भाई साहब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ये आया, इसको भी आपने लिखा तो यही आया, यानी इसका मतलब दोनों कथन सही हैं, बोथ वन एंड टू करेक्ट, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हो? अब आप समझ पा रहे हो? सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा कल वाली क्लास एक बार आप देख लेना, पिछली क्लास, आपको सब समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लो। देखो देखो मैं एक चीज़ और बता रहा, एक बात और बता रहा हूँ, राइट है, राइट राइट राइट, इतना जल्दी एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, राइट है ना, राइट। एक बार इतना जल्दी अगर आदमी को, किसी आदमी को अगर अपनी बीवी समझ में आए, राइट है ना, तो एक हफ्ते या शादी से कुछ दिन पहले ही, अगर एक दो बार तीन बार मिलती है, बहुत सारे बच्चे आजकल देखता हूँ शादी से पहले मिलते हैं, ठीक है, अगर उनको समझ में आ जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि शादी करने के बाद उसके घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो, या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड, अपने होने वाले पति देव से अगर शादी से पहले हर कोई आजकल मिल रहा है, अगर वो समझ लेता तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो अपनी दोबारा शादी करता उस इंसान से, ताकि आने वाले टाइम में उसको किसी प्रकार की दिक्कत होती। उसी प्रकार अगर आप पहले ही क्वेश्चंस अगर आप समझ जाओगे तो दिक्कत है ना, नहीं समझ में आएगा इतना जल्दी, राइट। समझ में जब आएगा, जब आप 2, 3, 4, 5 लेक्चर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, राइट। आप पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखो। देखो मैं यहाँ से है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये मतलब क्या, देखो मान लो जैसे मैंने 9 लिखा, 9 क्या आप 9 को ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो? यस लिख सकता हूँ। 8 × 1 + 1 क्या आप 121 को, या क्या आप इस फॉर्मेट पर लिख सकते हो? यन यस लिख सकते हो। देखो इसको मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। देखो देखो इसको नोट डाउन कर लो, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लो, देखो इसको नोट डाउन कर लो, राइट, नोट डाउन कर लो। देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अगर कभी भी कहीं भी अगर इवन नंबर लिखा हो, सम संख्या लिखा रहे, राइट, पहला कॉन्सेप्ट, राइट, पहला कॉन्सेप्ट, तो इवन नंबर को आप सीधा 2n से डिनोट कर सकते हैं, इवन नंबर विल बी 2n, राइट, ओके। अगर कहीं भी आप ऑड नंबर लिख रहे हैं, ऑड नंबर लिख रहे हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर को आप 2n + 1 या 2n - 1 लिख सकते हैं, 2n। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑड नंबर, जब आप उसको 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, ज़्यादा भी, कभी रिमाइंडर कम भी हो सकता है, ओके। और अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि देखो कोई भी अगर ऑड नंबर है, ध्यान से देखो, कोई भी अगर ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो, जब आप स्क्वायर करते हो तो इसके स्क्वायर को हम 8n + -1 हम लिख सकते हैं, 8n + 1 लिख सकते हैं। जैसे कोई भी स्क्वायर बोलो, जैसे मान लो 3 लिखा, ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, राइट। 5 करो, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 7 को, 7 का स्क्वायर करोगे 49, राइट। 15 का स्क्वायर करो 225, राइट। 17 कुछ भी, 21 का स्क्वायर करोगे 441। अब देखो जैसे इसको लिखो कैसे, 8 × 1 + 1, इसको कैसे लिखोगे, 8 × 3 + 1, इसको कैसे लिखोगे, 8 × 6 + 1, राइट, इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, देखो 8 × 8 = 24 + 1, इसको कैसे लिखोगे, 8 × 8 = 40 + 1। देखो सभी में इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, एक नहीं लिख सकते हैं, तो कोई भी ऑड नंबर हो अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो उसको आप 8n + 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, सब इतना आसान नहीं है समझना, राइट। सी सेट का पैटर्न डे टू डे टफ होता जा रहा है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी, इसलिए यू मस्ट हैव टू बी मोर फोकस, ओके। इस बार एग्जाम से पहले आपको कम से कम आपको 3 पेजेज का नोट्स दूंगा, ओनली 3 पेजेज नोट्स दूंगा, राइट राइट। इधर क्लियर, सभी लोग समझ में आ रही है? अब देखो नोट्स ना, ये 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो क्या पूछा है, क्वेश्चन समझो। कोई भी अज्यूम करो, कोई भी अज्यूम करो, कोई भी मैथड लगाओ, राइट, कोई भी तरीके लगाओ, खुद से सोचो क्या पूछा है। द प्रोडक्ट 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 ऑफ 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, पहली बात मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, बताओ। नेचुरल कंजुगेटिव मतलब लगातार, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, गिनती के सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। नेचुरल नंबर अगर प्लस 1 करते हो, राइट,
तो वो क्या आता है, क्या वो नॉन स्क्वायर होता है, क्या ऑलवेज सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर, या वो स्क्वायर हो रहा है, या नन ऑफ द एवर, या इसका मतलब नन ऑफ द एवर, नन ऑफ यहाँ पे नन होगा। क्वेश्चंस को समझो पहले। कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछे। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई भी लगातार चार कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लिखिए। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से होता है, राइट? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, सृष्टि वर्मा कोई भी ले लो, राइट? कोई भी ले लो चार नेचुरल नंबर, ठीक है? उसका आप क्या करो, प्रोडक्ट करो, उसको आप मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आप उसको प्लस वन करो, प्लस वन, प्लस वन लिखा है ना। चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से एक अधिक मतलब प्लस वन, वो क्या होगा? आप खुद से सोचिए, आराम से सोचिए। रितिका चौधरी, यस। समीर कुमार, यस। अनिल सिंह, यस। सभी लोग सेशंस को लाइक करें, शेयर करें। हिंदी वाले इस क्लास को देख सकते हैं, मैं आपकी हिंदी वाली वीडियो भी देख रही हूँ। अर्चना कुमारी, क्यों नहीं देख सकते? बहुत गलत सर, आप इतने फास्ट, ये कौन बोल रही है, कहाँ की ढोकोलोली है ये? बहुत सर, आप इतने फास्ट भाग रहे हो, इट रियली हर्ट्स, आप चेक भी नहीं कर रहे। ओ माई गॉड, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आराम से चेक करूँगा। शेखर नंदरंगी भवानी, मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सी सैट बाई संजय कुमार शाह, या यूट्यूब पे सीधा लिखो संजय कुमार शाह, राइट? सी सैट बाई संजय कुमार शाह, राइट? राइट, इज इट क्लियर? थोड़ा रुको, धीरे, कम से कम समझ तो आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेशंस को सभी लोग लाइक करें। प्रिया वर्मा, समर भानु, संजय पाटिल, जुबू बेहरा, एडवांस क्लासेस बाय एम के सर। देखो, पता है, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ जाए तो समझ लो कि बहुत कुछ क्लियर है, राइट? आपको मेनली क्वेश्चन ही समझ में आना है, राइट, है ना? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो राइट जी सर, सॉल्व करके बताइए पहले, जैसे पहले बताते थे। ओके सर, ऑप्शंस देखो, मैं आराम से, अच्छा सुनो, देखो मैं आप लोगों के अनुसार ही करता हूँ, मैं अपने अनुसार नहीं करता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं, आप लोग कोई भी लगातार चार कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर मुझे बताओ, आप लोग बताओ, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? मुझे, चलो मैं अपना मन से नहीं सॉल्व करूँगा, आप जो कहोगे मैं वैसे ही कर दूँगा। बोलो, कोई सा भी चार नंबर बताओ, कोई सा भी चार नंबर बताओ। एक लड़का कह रहा है 1, 2, 3, 4, चलो ठीक है, 1, 2, 3, 4, इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, चार, राइट, चार लिया तो 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 6, 4, 24, और ये प्लस वन, प्लस वन किया 25, 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है? और कोई नंबर बोलो, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, चलो 4, 5, 6, 7 कह रहा है बच्चा, 4, 5, 6, 7 लिया तो 4 × 5, 20, 26 जा कितना आएगा, 120, 127 जा कितना आएगा, 840 लिया, 840 प्लस 1 करोगे,
841, बताओ 841 किसका स्क्वायर है? मैंने आपको इसलिए बोला था कि स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला था आपको कि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 841 किसका स्क्वायर है? 841 आपका 29 का स्क्वायर है। आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, मैं वैसे ही सॉल्व कर दूंगा, राइट? लेकिन बस आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। और बताओ, और कोई नंबर बताओ, और कोई नंबर बताओ। 3, 4, 5, 6 एडवांस क्लासेस बाय MKR सर, टीचर लोग भी मेरे क्लास। 4, 5, 6 तो मैंने कर दिया, 4, 5, 6 तो मैंने कर दिया, राइट? सैयद जुमरा कह रही है कि 2, 3, 4, 5 लो, 2, 3, 4, 5 2, 3 जा 6, 4 जा 20, 25 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120 प्लस 1 करेंगे 121। ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है। ओके 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 भाई, राइट? ओके राइट, ओके। और कोई चीज, और कोई चीज, और कोई? सर सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर हमेशा नॉन स्क्वायर होगा। हाँ, ये हमेशा नॉन स्क्वायर हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसी भी बात बहुत अच्छी है। देखो, नॉन स्क्वायर होगा हमेशा, ये भी आप समझ सकते हो, पता है? आप टेंशन नहीं लिया करो। और कोई नंबर, और कोई नंबर? देखो, आकाश शर्मा कह रहा है कि 95, 96, 97, 98। ये ढोको लो लो, तुम मास्टर को परेशान करते हो, नहीं मास्टर को परेशान करते हो, बोला इतना मरा महा ढोकल 95, 96, 97, इतना, इतनी बड़ी चीज तो भाई मैं सातों जन्म में कभी ना लूँ। छोटे से चलो मेरे बच्चे, छोटे से चलो, 1, 2, 3, 4, 5 चलो, 11, 12, 13, 14 पे चलो, इतना पे समझ में आता है। ये महा ढोकल लो, ये मेरे को उल्लू बनाते रहता है, ये नहीं। गुलशन चंद्रवंशी कह रहे 6, 7, 8, 9 ले लो, ये लो 6, 7। भाई सभी में सही आएगा यार, मेरी जब 3 सर्वत्र सही हो रहा है, राइट, यूनिवर्सली ट्रूथ हो रहा है, तो ये भी होगा। 6, 7 जा कितना होगा बताओ? 6, 7 जा कितना आएगा? 42, 42, 8 जा कितना आएगा? 42, 8 जा 4, 8 जा 32 प्लस 16, 336, 9 जा बताओ तो भाई कितना आएगा? बताओ तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? राइट राइट राइट, यस सर, टाइम पास करने आते हैं, कोई बात नहीं सर, एक साथ ही IITian बनते हैं ये लोग। हाँ, यही तो देखो ना, IITian बनने में टाइम लगता है, राइट, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आपको मैं बताऊँ, देखो देखो मैं बताता हूँ, आप YouTube पे देख लेना किसी के भी क्लास नंबर सिस्टम, राइट, है ना, आपको मेरी क्लास सबसे थोड़ी डिफरेंट जरूर लगेगी, राइट। हो सकता है कुछ लोग इसी क्लास को कॉपी करके पढ़ा रहे हो, बहुत सारे जो, क्योंकि देखो CSAT मैंने पढ़ाना सबसे पहले शुरू किया और अभी तक रोज़ लाइव आके पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ। कितने ऐसे बच्चे हैं, राइट, है ना, जब आपने UPSC की दुनिया में कदम रखा होगा प्रिपेयर करने के लिए, शायद तब से आप मुझे अभी तक देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे। आप लोगों का दुआ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, तो शायद आने वाले टाइम में आपकी बीवी को भी पढ़ाऊँगा, आपके बच्चे को भी पढ़ाऊँगा, बच्चे के बच्चे को भी पढ़ाऊँगा, अगर सांस रही। इतना तो तय है कि आपके बच्चे के बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा, राइट, ओके। चलो अब आगे चलते भाई, सब क्या ये स्क्वायर है, तो नॉन स्क्वायर नहीं, ऑलवेज सम ऑफ ऑलवेज, राइट, है ना, ऑलवेज ऑलवेज, राइट राइट राइट, ओके राइट ओके, ऑलवेज सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर नहीं, राइट, और स्क्वायर बिल्कुल सभी का ये स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी, राइट, आंसर क्या? गुरु जी हिंदी में भी बोल दिया करो, अंकित सी यो हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, हिंदी में भी तो बोल रहा हूँ, नहीं पता है क्या? स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, नॉन स्क्वायर मतलब स्क्वायर नहीं हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लिया करो डियर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम क्लास में, हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ाएंगे, राइट। सर आपका क्लास अच्छा लगता है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में प्लस वन नहीं लिखा होता तो, अगर मान लो प्लस वन नहीं लिखा होता तब, अगर प्लस वन नहीं लिखा होता तब मुझे बताओ तो, अगर प्लस वन नहीं लिखा होता तब मुझे बताओ। टी क्रॉस करी सर थोड़ा फास्ट था, देखो आराम से पढ़ो ना, फास्ट यार, एक साल तक मैं पढ़ाता रहूँगा पता है, तो आप इतना जल्दी क्यों सोच रहे हो, आराम से पढ़ो ना, धीरे धीरे समझ के पढ़ो, है धीरे धीरे। सर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हो क्या? यस, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। नॉन स्क्वायर ऑलवेज अ नॉन स्क्वायर, सर मैंने 22, 23, 24, 25 लिया तो नहीं आ रहा है ऐसे, रुको, एक ढोकलो कह रहा है 22, 23, एक ढोकलो लो कह रहा है क्या 22, 23, 24, 25 कह रहा है, लिया तो नहीं लिया, 22, 23, 24, 25 मेरे बच्चे लिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ सही सही कितना आएगा, मल्टीप्लाई बताओ, और उसमें प्लस वन करोगे तो होगा, राइट, अगर प्लस वन हटा दें तो आपका आंसर नॉन स्क्वायर होगा, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल आएगा, राइट, नॉन स्क्वायर तब होता है, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ, ये सब लिख लिया करो। अब देखो ये क्वेश्चंस,
यूपीएससी का है, ये किस ईयर के क्वेश्चंस है मैं आपको बता दूँ, ये सीसैट 2020 का है, आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसी साल 2020 का क्वेश्चन है, सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप कहोगे तो मैं आपको, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 100 की पावर एन प्लस वन है, नहीं नहीं रुको 100 है, एक सेकंड को मुझे थोड़ा सा निकाल दे दो, थोड़ा सा जो बचा हो, रघुपति राघव राजा राम, जितना मेहनत उतना काम, तुम लगाओ सारा ध्यान, होगा तुम्हारा क्लियर एग्जाम। रघुपति राघव राजा राम, देखो रघुपति राघव राजा राम, जितना मेहनत उतना काम, देखो क्वेश्चंस देखो, ओहो ओहो ओहो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर्स 10 एन प्लस 1 इज 2, आराम से सोचिए, प्लीज टेक योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। देखो रियल नंबर का मतलब सबको पता है, सारा नंबर रियल नंबर होता है, ओके, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, क्योंकि कैच रियल नंबर इज डिवाइडेड इट इन टू व्हाट, रेशनल एंड इरेशनल, ओके ओके टू ऑल ऑफ यू माय डियर। सुभाषी पांडव आई है, रथालावत मालेस, टीचिंग स्टाइल इज एक्सीलेंट सर, नो व्हाट टू से, थैंक यू वेरी मच। बस आपको अगर अच्छा लगता है मेरे क्लास, राइट है ना, यूपीएससी एफओ के एग्जाम में हेल्पफुल होगा, जिज्ञासा गौतम क्यों नहीं होगा हेल्पफुल, कैसी बातें करती हो, राइट, ईपीएफओ दे दो, सीएपीएफ दे दो, एसएससी दे दो, बैंकिंग दे दो, रेलवे दे दो, अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा लो, राइट है ना, ये अश्वगंधा महा अश्वगंधा कॉन्सेप्ट है ये, राइट। और आप देखो मैंने कुछ सॉल्व कर रहा हूँ मेरे बच्चे, आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कि मैंने आपको ये बता दिया है कि सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन इक्वल टू जीरो ओनली, होल नंबर किसको कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, एनी रियल नंबर क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ समझाया, इसलिए आप प्लीज आराम से समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, पावर ऑफ 10 इज 1, कुछ लोग क्वेश्चन विजिबल तो हो रहा है ना, जिसको नहीं विजिबल हो रहा है, राइट, जिसको विजिबल नहीं हो रहा है, सीसेट हमसे क्या चाहता है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो ना, सीसेट बाय संजय कुमार सर, सीसेट, एक सेकंड आवाज आ रहा है, एक सेकंड है। देखो सुनो, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, सेशंस को सभी लोग लाइक करिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो करिए, राइट, अनअकैडमी के ऐप पे आप सभी लोग मुझे फॉलो कीजिए, राइट, अनअकैडमी के ऐप पे आप सभी लोग फॉलो कीजिए। देखो मेरे बच्चे, पहले मैं आपको समझाता हूँ, देखो एन इक्वल टू जीरो ओनली, राइट, अगर है, अगर मान लो 10 एन प्लस 1 है, अगर आप एन इक्वल टू जीरो है तो 10 की पावर 0 प्लस 1, एक चीज बता दूँ, कुछ भी एनीथिंग, एक चीज नोट डाउन करो सब लोग, एनीथिंग किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, चाहे 1 की पावर 0 1, 1 लाख की पावर 0 तो 1, एक्स वाई जेड की पावर 0 1, SSN के पावर 0 तब 1, डॉक्टर्स के पावर 0 1 तब 1, IAS के पावर 0 तब 1, राइट, सब कुछ 1, ठीक है, तो ये ओनली लिखा है ओनली। अब देखो एनी होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर, होल मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा एक बात बताओ, एन इक्वल टू अगर आप 0 कर रहे, 10 पावर 0 करो तो 1 प्लस 1 तब भी 2 आ रहे हैं, ठीक है, एन इक्वल टू 0 करोगे तब भी 1 प्लस 10 की पावर 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 करोगे तब भी 2, 10 की पावर 1 करोगे
प्लस 10 की पावर 1 करोगे 10 प्लस 1 11 में करोगे 1 प्लस 1 तब भी 2, अगर 10 की पावर 2 करोगे 10 की पावर 2 प्लस 1 10 की पावर 200 प्लस 1 ये क्या 100 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 राइट ये भी n इक्वल टू 0। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है मुझे एक बात ये बताइए। सबसे पहली बात पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है भाई 1 2 3 4 मैंने बताया था ना आपको क्या पढ़ाया था इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं राइट इंटीजर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर राइट जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। एनी रियल नंबर 1 का मतलब क्या इसका मतलब -1 राइट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करो ये तो आपका होगा ही नहीं। अभी -1 करो तो नहीं होगा ओनली 0 पे नहीं हो रहा है 1 पे भी 2 पे भी 3 पे ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 होता है इससे पहले 0 भी होता है इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल हो गया तो होगा क्या होल नंबर आंसर इसका पी होगा। आराम से समझो किसी बच्चे को कोई डाउट सुभाषी पांडा मेरे बारे बच्चे ये बात समझ में आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर वाला क्यों नहीं होगा भाई यहाँ पे n इक्वल टू 0 ओनली ओनली का मतलब क्या n की वैल्यू अगर हम 0 को रखें तो ही होगा क्या क्या 1 रखने पे नहीं हो रहा है 2 रखने भाई साहब 2 रखने पे भी 3 रखने पे भी 4 क्या 5 रखने पे भी 6 रखने पे 100,000 रखने पे भी हो रहा है तो किसी के पावर करोगे लास्ट में भाई 1 1 प्लस 1 2 तो आपका होगा ही दैट्स व्हाई हियर विल बी 2 क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर। चलिए कितने क्वेश्चंस हो गए सर चलो टाइम तो लगता है ना सर समझने में इतनी आसानी से अगर इस एग्जाम को अगर क्रैक हो जाता आप सभी से तब तो बात ही अलग थी राइट। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर रियल नंबर जो मैंने आपको चार्ट दिया था राइट उस चार्ट में एक बार आप देखो उस चार्ट में देखो सभी लोग सर प्लीज अगेन रिपीट 4 क्वेश्चंस सर 4 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस के बराबर है कि नहीं 4 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 40 क्वेश्चंस ओके राइट ओके अब आप इसमें सोचो सर क्लियरली विजुअल नहीं है इतना अच्छा तो विजुअल है कितना अच्छा तो विजुअल है राइट ये कितना अच्छा तो विजुअल है राइट कितना अच्छा तो विजुअल है कितना अच्छा तो विजुअल है ओके इज इट क्लियर राइट। अब देखो यार जूम क्या कर फोन की क्वालिटी को बढ़ा लो ना ये जूम ही है सेशंस को सभी लोग लाइक करिए अनुप्रिया कुमारी फोन की क्वालिटी को इंक्रीज करो ना देखो देखो सबसे पहली बात समझो देखो जो आपका रियल नंबर होता है देखो क्या क्या नंबर का गेम है एक रियल नंबर है रेशनल है नेचुरल है इंटीजर है। देखो रियल नंबर जो होता है देखो रियल नंबर होता है रियल नंबर क्या होता है एक तो आपका रेशनल होता है राइट फिर आपका क्या होता है इरेशनल होता है फिर क्या इरेशनल रेशनल जो है आपका क्या होता है इंटीजर रेशनल क्या होता है आपका इंटीजर होता है राइट फिर आपका क्या होता है फ्रैक्शन होता है राइट फ्रैक्शन इंटीजर के अंदर क्या होता है आपका जीरो इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है फिर आपका नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या होता है राइट राइट इसमें आपका इवन होता है इसमें आपका ऑड होता है इसमें आपका नेचुरल नंबर आता है राइट राइट नेचुरल नंबर आता है इसमें आपका प्राइम नंबर आता है राइट है ना और नेचुरल प्लस जीरो इसके अंदर इसी के अंदर क्या होता है इसको मिलाओगे राइट नेगेटिव तो इन दोनों को मिलाओगे तो आपका होल नंबर आएगा होल नंबर है। अब सुनो ध्यान से देखो
नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या ये जो नेचुरल नंबर है क्या ये रियल नंबर है? यस यस। रियल नंबर इज रेशनल नंबर, क्या ये जो रियल नंबर है क्या ये रेशनल नंबर है? कभी भाई रेशनल नंबर रियल नंबर है, मेरी बात समझ में आ रही है? रेशनल नंबर जो है ना वो आपका रियल नंबर है, रेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर है भाई साहब। रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, रियल नंबर रेशनल नंबर, क्या पूछा रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है? नहीं 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 नहीं, रेशनल नंबर जो रियल नंबर है ये आपका यस होगा, ये गलत होगा। क्या ये इंटीजर जो रियल नंबर है? यस। इंटीजर क्या है आपका? रियल नंबर है। यस यस यस। तो एक तीन चार से एक तीन चार ऑप्शन नंबर बी ए सी बी डी, ये भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, राइट ये वाला होगा। अब आई बात समझ में, इसलिए मेरे पे अब मुझे बताओ आपको जो मैंने जो पढ़ाया राइट डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, क्या आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है? क्या आपको रियलाइजेशन हो रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कुछ हमें कराया गया है राइट, है ना? क्या आपको लग रहा है कि कुछ हमें कराया गया है राइट? ओके। क्या आपको लग रहा है कि कुछ हमें कराया गया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? यस या नो? इज इट क्लियर? क्या आपको लग रहा है कि कुछ हमें कराया गया है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि कुछ हमें कराया गया, कुछ हमें आ रहा है? अंजलि वर्मा, यस राइट। इसलिए मेरे प्यार से कभी भी किसी को भी अनअकैडमी पे कॉल आए तो प्लीज़ यूज दिस रेफरल कोड एस के स्टैन। ये सी सैट ही नहीं, आपको साइंस एंड टेक पे भी हम आपको ऐसे लॉजिकल चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको ज्योग्राफी में भी, आपको हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, जितना मैंने जिस लेवल पे प्रिपेयर किया था उस लेवल की प्रिपरेशन आपको ज़रूर बताऊँगा राइट। शुरू से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा राइट। इसलिए सेशन को हमेशा देखा करो सेशन, ताकि डिलीट ना हो जाए राइट। अब देखो ये क्वेश्चन है राइट, इसको अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, ये इक्वेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी छोड़ो राइट। ये वाला देखो, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। सर होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। सर होल नंबर जो है क्या वो नहीं नहीं होल नंबर नहीं होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है ना वो आपका नेचुरल नंबर होता है राइट। इसलिए सर जी आपका चैनल कब शुरू हुआ? करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का मैं चाह रहा हूँ कि कल परसों सही कर दूँ राइट, है ना? थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं कर दूँ, है ना राइट। ओके ओके, इसका आंसर बी होगा, ठीक है इसका आंसर बी होगा। देखो प्राइम नंबर चेक करने का भी मैंने आपको तरीका पढ़ाया था, 6n प्लस माइनस वन प्राइम नंबर को इस तरीके से चेक, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं राइट, है ना, 6n प्लस माइनस वन से चेक करिए राइट, कभी भी चेक करना हो तो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो मेरे बच्चे। अगर ये देखो, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन राइट, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। सर लेक्चर 5 डिलीट कर दिए हैं क्या? हाँ भाई डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। शुरू से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर 5 कहाँ गया, लेक्चर 6 कहाँ गया, लेक्चर 7 कहाँ गया राइट। देखो ये भी UPSC का क्वेश्चन है, ये आपका सी सैट 2021 का है सर। ये क्वेश्चंस मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन सी सैट पिछले साल का है राइट, ये क्वेश्चन आपके पिछले साल का है, पिछले साल का सी सैट 2022 का है। देखो ना सारे पीरियड क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। देखो दो नेचुरल नंबर पी एंड क्यू सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर, क्यू इज अ, देखो पी जो होना चाहिए वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए ठीक है, क्यू जो होगा वो आपका कंपोजिट होगा, क्या होगा कंपोजिट आराम से। अच्छा मुझे प्राइम नंबर बताओ कौन कौन सा है, पी क्रॉस क्यू प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को क्या मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपका ऑड नंबर आता है राइट, प्राइम कंपोजिट नंबर को जब प्राइम से डिवाइड करते हो तो क्या वो प्राइम नंबर आता है, पी प्लस क्यू कैन बी का मतलब हो सकता है, मुझे बताओ प्राइम नंबर मुझे बताओ, दिख रहा है गुड्डू सर, एक बार दिखना अपलोड कर दीजिए राइट, दिख तो नहीं रहा है,
चलो ठीक है, जिसको भी लेक्चर फाइव नहीं मिला है चुपचाप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए लेक्चर फाइव के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएगा, राइट ओके। इसलिए बताओ प्राइम नंबर, बताओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग प्राइम नंबर बताते चलो, व्हाट इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करेंगे प्राइम नंबर, कमेंट जो नहीं कमेंट कर गया प्राइम नंबर वन करे उसकी तीन तीन शादी हो, कमेंट करो फटाफट, वो भी जाती है तीन तीन शादी, राइट। प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, इलेवन हो गया, थर्टीन हो गया, सेवनटीन हो गया, नाइनटीन हो गया, ट्वेंटी नाइन हो गया, थर्टी वन हो गया, ऐसे कंपोजिट नंबर चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, बारह हो गया, पंद्रह हो गया, सोलह हो गया, राइट है ना, बत्तीस हो गया, चालीस हो गया, कैसा भी होगा, राइट। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का मतलब कपल, कंपोजिट नंबर का मतलब, कल वाला लेक्चर देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट है ना, राइट। अब देखो बताओ आप लोग इसे सोचो जरा एक बार, क्या होगा आंसर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आराम से सोचिए सर, आराम से सोचिए, आजकल मेरे लैपटॉप का चार्जर जो है ना बड़ा जल्दी ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों, बच्चे का एनर्जी लो हो रहा है, राइट। इतने कम एनर्जी लो कैसे क्लास दूंगा बताइए, ओनली जो क्लास में 450-500-600 बच्चे लाइव हुआ करते थे वो इस क्लास में केवल और केवल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ओनली 250 बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, नो क्लास को ऑफ करना पड़ेगा फिर ना, ये वो बच्चे नहीं है फिर पढ़ना नहीं चाह रहे, राइट, फिर पढ़ना नहीं चाह रहे, चलो ठीक है इस क्वेश्चंस के बाद, राइट। अरे एनर्जी लेके आओ, एनर्जी जिसके अंदर है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर, पढ़ने का हुनर डेवलप कीजिए, किस दिन आपको मैं रीडिंग स्किल की क्लास लूँगा, कैसे पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, राइट, कैसे जल्दी पढ़ोगे तो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, कैसे बुक को फिनिश कर सकते हो, मोटी मोटी बुक को किस तरीके से जल्दी फिनिश किया जाता है, नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे चलते फिरते आप दो चार टॉपिक को ऐसे निपटा दोगे, कैसे आप पेंडिंग वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो, ओके, हाउ टू कंप्लीट द पेंडिंग वीडियो, राइट। सर आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, जाहिद अहमद सो डेफिनेटली यू विल गेट, राइट, क्या होगा आंसर बताएं। समीर कुमार, आरती खिवा, रिमझिम सिंगर, थैंक यू सो मच सर, मोहम्मद जावेद सर हमारे जस बातों से मत खेलो, राइट, ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा सर, राइट है सर, यू आर ग्रेट, राइट राइट ओके। देखो सुनो, पी क्रॉस क्यू अगर आप करते हो तो वो ऑड नंबर होना चाहिए, देखो क्या भी पूछा तो कोई भी पी नंबर ले लो, मान लो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होगा, जब हम किसी ऑड नंबर से, मान लो प्राइम नंबर मान लो मैंने 3 लिया, कंपोजिट नंबर मान लो मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, तो 3 × 15 = 45, ऑड नंबर आ रहा है, यस। Q डिवाइडेड बाई P, क्या ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब 2, तो कैसे आएगा भाई, P प्राइम नंबर, P Q है ना, तो Q ले लो आप 15 ले लो, डिवाइडेड बाई P कितना, P आप 5 ले लो, या P आप 3 ले लो, 3 ले लो, 3/5 क्या प्राइम नंबर है, यस, कोई भी नंबर, P+Q कैन बी प्राइम नंबर, P+Q, 2+4, 2+6, 2+8, 2+9, 11, यस, 2+9, 11, यस,
ये क्या है, प्राइम नंबर है, यस ये भी सही है। ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट बिल्कुल पिछले साल का क्वेश्चन है, सीसैट 2020 का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2, 3 ऑल आर। आप मुझे बताओ क्या आपको थोड़ा सा भी टफ हुआ, क्या आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपको सोचने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो, क्या आपको कुछ ऐसा हुआ, प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, राइट, प्लीज प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई चीज़ लगा, अगर आपको सोचने में अगर टाइम भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता किसी भी बच्चों को टाइम लगा होगा, क्या आपको टाइम लगा, राइट। सर आई एम वेरी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट माई आंसर इज नॉट इवन नियर टू ऑप्शन अवेलेबल सर, माई सी सेट पोर्शन कोचिंग वेंट इन वैन, प्लीज गाइड। कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, विच कोचिंग यू हैव ज्वाइन, विच कोचिंग यू हैव ज्वाइन दे आर राइट, विच कोचिंग यू हैव ज्वाइन। इसी साल का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, राइट, इस साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, राइट, आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर लिया इसी साल, इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, राइट। दो एंड आठ लेके देखिए सर, राइट भाई, दो एंड आठ लेने पे नहीं हो रहा और इवन नंबर हो रहा है, लेकिन ये क्या पूछा, कैन बी का मतलब क्या हो सकता है, एक विषम संख्या हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, लेने पे सम संख्या पूछता है, लेकिन क्या विषम संख्या हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, इट कैन बी, ये समझो ना, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बात समझ में आ रहा हूँ, राइट, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिए, उसको आप अच्छे तरीके से फोकस करने का ट्राई कीजिए, ओके। कैन बी बोल रहा है इसलिए, राइट, ऑलवेज अगर ऐसा बोल रहा था पी क्रॉस क्यू ऑलवेज बी ऑड नंबर, तब तो हम दो और एक एट लेके दिखा देते, भाई ऑलवेज नहीं हो रहा है, फिर तो टेन इवन नंबर भी हो रहा है, ऑलवेज नहीं लिखा इस तरीके का, बिल्कुल सही बात है, राइट राइट बिल्कुल। ऐसे भी एक बात बताऊं, चलो एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है ना ट्रिक होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ओके राइट। अभी तो बहुत सा, अच्छा इसमें बताओ तो द रेशनल नंबर ऑन द, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, विच वन इज द रेशनल नंबर, ये मुझे बताओ तो, रेशनल नंबर कौन सा है, जितना मैंने आपको क्लास में कराया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, राइट, ओके आप देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट है ना, आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ओके। इसलिए प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू बी वॉच दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट, पर्टिकुलर आप उसको ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए, आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, राइट। ऐसा नहीं है, इसी देखो सेम 2022 के पैटर्न पे, देखो सेम ये कुछ इसी क्वेश्चंस के पैटर्न पे आपका 2023 में भी आया था, राइट, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तभी ना आपको रियलाइज होगा कि हम सही डायरेक्शन में, हमारी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या हमारी क्लास क्या होगा, देखो इसका आंसर, देखो भाई इसमें देखो ये आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, 371 37 ये कंटिन्यूसली ये जा ही रहा है, ये डॉट डॉट है, ये आपका क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि रिपीटेशन है, इसको आप 2.37 ऊपर के बाद लिखोगे, लेकिन इसमें देखो 01 फिर 001 फिर 001 फिर 000001 है ना, तो ये भी आपका इरेशनल है, ये इसको आप करेक्ट कर लेना, राइट। हमारे जो मैंने एक बार मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया था, बताया है तो वहाँ पर बाई मिस्टेक टाइप किया गया था, राइट, बाई मिस्टेक टाइप किया गया था, राइट, इसलिए राइट। देखो आपको इसी साल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको इसी साल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, राइट। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है, ओके। देखो मैं इसी साल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2023 का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन, आई होप मुझे लग रहा है कि आपको सर ये क्वेश्चंस विजिबल हो रहा होगा, देखो ये इसी साल 2023 का क्वेश्चन है, ये इसी साल का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, देखो
कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम, विजिबल हो रहा है सबको या दूसरा दिखाओ कंपोजिट नंबर सी, इज इट विजिबल? p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी इक्वल टू कैन बी इवन, 2p प्लस सी कैन बी ऑड, पी सी कैन बी ऑड, मल्टीप्लाई है। क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है सबको? सर हम आपको दरभंगा में देखे थे, कल अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। हैं ये बच्चे कह रहे हैं कि सर कल हम आपको दरभंगा में देखे थे, है ना, आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, ये बच्चा कैसी बात कर रहा है, कहाँ आप हमको देखे थे भाई, हैं जो हम अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, हैं और हमारी वाइफ, हैं सर कल हम आपको दरभंगा में देखे थे, हैं बताइए, ये हमारे ढोको लोलो मेरे फुचकू, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, हमारी वाइफ आ गई। सर विच बुक इज बेस्ट फॉर सी सैट मैथ्स? नो एनी अदर बुक इज बेस्ट, मेरी बुक बेस्ट होगी, ठीक है ना। देखो उस लेवल का कोई भी मार्केट में कोई भी बुक कोई क्वेश्चन वेश्चन बना नहीं रहा है, इसलिए किसी के कहने पे मत जाओ, ठीक है ना। आप थोड़ा सा फोकस करो, राइट है ना, थोड़ा सा पैसे वैसे जुटा लो, मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही सस्ते दामों में, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सब लोग 300-400 रुपये तो खर्च कर सकते हो ना, हैं सर आई थिंक इट्स अ सर कभी वो अपनी वाइफ की बात कह रहा है वो, नेहा कुमारी सर सब आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। निशा नेहा ऐसा थोड़ी है, नेहा देखो सोचो मत, टाइम लगाओ, देखो प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या, देखो प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर लिखो, देखो मैं इस क्वेश्चन को दिखा, मैं आपको क्वेश्चन देखो सही से दिखाता हूँ, रुक जाइए, देखो मैं आपको सही से दिखाता हूँ, राइट है ना, मैं आपको सही से दिखाता हूँ तब आपको दिखेगा, रुक जाओ मैं थोड़ा सा स्पेस के साथ दिखाता हूँ, राइट है, मेरे को भी स्पेस मिल जाएगा आपको सॉल्व करो, थोड़ा खिचड़ी पक जाता है वहाँ पर, हिंदी इंग्लिश नहीं ना रहता है, जो आपको ये लो पी प्लस सी, देखो ये देखो यहाँ से, ये देखो इसको देखो प्राइम नंबर P4 प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, ऐसे, ठीक है। कंपोजिट नंबर ले लो, कंपोजिट नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, राइट, 15 भी आएगा, 9 भी आएगा, राइट है ना, 9 भी आएगा, 13 नहीं, 14, 15, 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 22 ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप देखो p प्लस सी डिवाइड p माइनस सी कैन बी इवन, कैन बी इवन, राइट। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, स्कूटी से जा रहे थे आप, तो भाई रोका क्यों नहीं आप? अरसलन हाजी, अगर मान लो मैं जा रहा था स्कूटी से, ठीक है, तो आपको बोला सर विच कोचिंग सेंटर इज बेस्ट फॉर कोचिंग सर इन दिल्ली, कॉल कर लेना एक बार, कॉल कर लेना, राइट है ना, एक बार जो है ना कॉल कर लेना, राइट है ना, एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, एक बार आप सभी लोग कॉल कर लेना, एक बार आप सभी लोग कॉल कर लेना, ठीक है, एक बार आप सभी लोग कॉल कर लेना, ओके, ठीक है, ओके। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ बट यही क्लास ले रही हूँ, सर दिन का क्लास नहीं ले पाती हूँ, क्या होगा इसका आंसर बताओ, सोचो। हाँ मेरे पे ये लोग नज़र रख रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे पर ये लोग नज़र रख रहे हैं, ओके। तीनों ऑप्शन में कैन बी है, ऑलवेज नहीं, देखो देखो सीधा पी प्लस सी डिवाइड पी माइनस सी कैन बी इवन, पी प्लस सी, p
P माइनस सी बता सकते हो क्या क्या आएगा? कोई लॉजिक सोचोगे? अगर आप लॉजिक सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि P की जगह मान लो 11 लिया, फिर 9 लिया, 11 माइनस 9, 11 9 20 बाई 2 10, 10 क्या इवन? आंसर क्या आएगा इसका? यस, 2P प्लस सी कैन बी इवन, 2P प्लस सी कैन बी ऑड। तो मान लो 2P का मतलब प्राइम नंबर, ये लो 2 ही ले दो, 2 इंटू 2 प्लस 9 कितना आएगा? 13, ऑड नंबर है। यस, PC को मल्टीप्लाई करने पर ऑड आएगा, ले लो ऑड क्यों नहीं आएगा। 15 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, राइट, 3 इंटू 15 कितना लोगे? 45, ये भी ऑड नंबर है। तो यहाँ भी कैन भी आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3। ऐसे भी फंडा ट्रिक क्या है? ट्रिक, अगर यहाँ कैन बी लिखा है, चाहे अगर सम लिखा हो, तो आंसर करेक्ट ही होगा, आंसर करेक्ट ही होगा। बट फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अब बताओ, मज़ा आया? दिस इज द SSM फंडा। और ये आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे फ्री में ही पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब आप पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, राइट। रिकॉर्डेड देखने के भरोसे से मत बैठिए, राइट। इसलिए हमेशा लाइव क्लास देखिए। जो मेरे लाइव सेशन में खो गया, समझो वो CSAT में क्वालिफाई हो गया। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, यस सर, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मेरे साथ, चाहे मेरे किसी और के साथ, कुछ भी हो, मैं तो बस पढ़ूंगा, इस वक्त को जाने नहीं दूंगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, समय के पास इतना वक्त नहीं है कि समय दोबारा आपके पास चल के आएगा। आपका समय तो बीतता चला जाएगा, ये समय हो सकता है किसी और आदमी के पास वो चल के आ जाए। जब तक आप इसको समझोगे, तब तक वो क्रैक करके चला जाएगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करो, यस सर, मैं बदलना चाहता हूं अपना सोच, क्योंकि मैं आपको ही बनाऊंगा अपना कोच। लिखिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में, यस सर, बदलना चाहता हूं मैं अपना सोच, क्योंकि मैं आपको ही बनाऊंगा अपना कोच। व्हाट इज द SSM फंडा? कैन बी बिना देखे टिक किए सॉल्व कर दो, आगे बढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चन आप क्यों फरफरा रहे हो? मत फरफराओ, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो, राइट। जरूर आपको समझ में आएगा, राइट। जरूर आपके साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जरूर आप आगे बढ़ोगे, अच्छे तरीके से करोगे, और अपने आप को मोस्ट तरीके से फोकस करिए, राइट। रगड़ के पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, राइट। इस वक्त को जाने मत दीजिए, क्योंकि यही वो वक्त है जो आपको कुछ भी करा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है, क्या बोलो सानवी? मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। ओके, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, राइट। जरूर सर, कल का लेक्चर मिस हो गया था सर, प्लेलिस्ट में ही नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, राइट। अनअकैडमी पे हमेशा कोई भी ऑफर चले, कभी भी किसी का कॉल आए, प्लीज यूज दिस रेफरल कोड SKS10। इस कोड को यूज करके ज्वाइन करिए, या नहीं SP शाह कोड भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाह, राइट, SP शाह का फुल फॉर्म हो गए। इस कोड को यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अभी तो आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मेरे साइड बात नहीं हो पाती है, कोशिश करें, ट्राई करें, राइट। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, आइए हम आपको रगड़ देंगे, राइट। क्योंकि अगर आप SKS10 कोड की ऐसी है माया, इन्हें गाँव के गरीब से गरीब बच्चों को, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, कैसे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ोगे, क्या आपके स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली आई विल गाइड यू पर्सनली। नहीं अब क्लास नहीं है, राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा, टेलीग्राम चाहिए, एकता सर्च करो ना, CSAT बाय संजय कुमार शाह, राइट। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो संजय कुमार शाह चैनल, आपको अपने आप टेलीग्राम दिख जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लो संजय कुमार शाह चैनल, सभी लोग सर्च करके अभी देखो, अपने आप आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए, कैसा लगा? अब ये न्यू कोर्सेस आ रहा है, न्यू बैचेज आ रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। न्यू बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, राइट। सभी लोग सेशंस को शेयर करिए, राइट। CSAT 90,000 ओमेगा सर, सिर्फ CSAT के लिए
शिवानी चौहान बिल्कुल, मेरे तो क्लास ही नहीं है राइट। सभी लोग सेशंस को शेयर कर दिया, एक बार सभी लोग सेशंस को शेयर कर दीजिएगा अपने चाहने वाले दोस्त सभी के साथ राइट। अभी ये सेशन थोड़ा सा टफ है राइट, कल वाला सेशन और भी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।